बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यास्मीन। वेलकम करती हूँ आप सबको मेरे चैनल कुक विद लव एवरीडे में। आज मैं बनाऊँगी सालन। सालन हम बना रहे हैं हरी मिर्चों के साथ। अगर आपके पास घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं है, या कभी होता है कि आपको कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा, आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी में कोई चीज़ बनाई जाए, तो आप हरी मिर्चों का सालन ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े का बनता है। सो हरी मिर्चों का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं। ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती, ये मैंने 100 ग्राम लिए हैं। इनको आपने अच्छी तरह से धोना है, और उसके ऊपर ये देख आपको हल्का सा पानी नज़र आ रहा होगा, तो आपने किसी भी पेपर से लेके उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। उसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से हम साफ़ करेंगे। पहले मिर्चें मैंने सारी अच्छी तरह से साफ़ कर ली हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये मिर्च बहुत ज़्यादा लंबे साइज़ की है, तो इसको मैं मिडल से दो पार्ट करूँगी। अगर आपके पास मिर्चों का साइज़ स्मॉल है, तो आपने उसको मिडल से नहीं काटना है। इसको पहले मैं यहाँ से दो पीस में करूँगी, ये यहाँ से आप कर लें, ये देखें। उसके बाद इसके मिडल में ये जो सीड्स हैं, आपने ये इसको निकाल देना, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिर्ची हो जाएगी। आपने इनको अच्छी तरह से अंदर से साफ़ कर देना। ये देखिए, मैंने सारे उसके जो अंदर से बीज हैं वो निकाल दिए। ये देखिए, मैंने इन सब के बीज निकाल दिए। उसके बाद इसको आप मिडल से दो पीस में कर दें। अगर वो स्मॉल है तो आपने नहीं कट करनी, अदरवाइज छोटी हो जाएंगी। आपने इनके बीज लाजमन रिमूव करने हैं, लेकिन इनकी ये जो ऊपर डंडी होती है, ये आपने रिमूव नहीं करनी। यहाँ पर मैंने एक कदर कढ़ाई ले ली है, उसमें हम ऑयल डालेंगे। 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊँगी। मैंने इसको 1 मिनट के लिए ही पकाया। हरी मिर्चें वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आंच को आपने मीडियम टू लो रखना है। कोशिश करें कि लो फ्लेम ही रखें, क्योंकि अगर तेज़ आंच होगी तो मिर्चें जल जाएंगी। मैं इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकाऊंगी लो फ्लेम में। आपने इसको स्टॉप नहीं करना, कंटिन्यू चलाते रहना है। अब मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड करूंगी। नमक लिया मैंने 1 टीस्पून, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूंगी ताकि हमारे जो मसाले हैं वो गले नहीं। पेपरिका पाउडर मैंने इसलिए डाला है कि वो स्पाइसी नहीं होता, मैंने सिर्फ कलर के लिए ऐड किए। सौंफ लिए मैंने 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून। इन सबको मिक्स करके मैं इनको 2 मिनट तक पकाऊंगी ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह भुन जाएं। ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुके हैं, मिर्ची हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। दही लिए मैंने यहाँ पे 5 टेबलस्पून, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अब आंच को मैं स्लो कर दूंगी और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के 1 से 1.5 मिनट इसको पकाएंगे। ये देखिए, हमारी मिर्चें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। कितनी कम टाइम में कितना मज़े का हमारा सालन तैयार हो गया। ये देखिए, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। कितने मज़े की उसकी
शक्कर ही लग रही है कि वो इतना टेस्टी है। इसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 मिनट लगेंगे और इतना मज़े का सालन आपका तैयार हो जाएगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टाइम फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।